दोस्तों, राज कॉमिक में बहुत से पावरफुल कैरेक्टर्स हैं जिनकी पावर्स की गिनती करने में एक आध साल तो निकल ही जाएगा। इसी लिस्ट में से निकल कर आता है राज कॉमिक का बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर, जिसकी पावर्स के आगे लगभग सभी सुपर हीरोज और विलेंस नतमस्तक हो जाएंगे। आज हम आगाज करने वाले हैं अपने इसी अंडररेटेड कैरेक्टर की ओरिजिन को, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं ओरिजिन ऑफ गोजो। कहानी की शुरुआत होती है सतयुग के आरंभ से, जहां महर्षि कश्यप की संतानों में देवों को स्वर्ग में रहने का अवसर मिला तो मानवों को धरती पर और पाताल पर असुरों को, लेकिन असुर स्वर्ग में रहना चाहते थे और इसके लिए वो लगातार कोशिश भी करते रहते थे, लेकिन स्वर्ग के प्रहरी योद्धा की वजह से वो हमेशा ही अपने प्रयास में असफल रहते थे। योद्धा से हार कर असुर अपना गुस्सा मानवों पर निकालते और पृथ्वी पर नरसंहार करते। इन सभी की वजह से महर्षि कश्यप काफी परेशान रहने लगे। एक दिन नारद मुनि उनसे मिलने आए तो महर्षि कश्यप से उनकी चिंता ना छिप सकी और उन्होंने नारद मुनि के सामने सारी सिचुएशन रख दी। नारद मुनि जी ने उन्हें आइडिया दिया कि स्वर्ग और पाताल के बीच में पृथ्वी पड़ती है, यदि कोई ऐसा नायक या शक्ति हो जो असुरों को पाताल से ही ना आने दे और ना ही पृथ्वी पर नरसंहार करने दे तो इस प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। ये आइडिया महर्षि कश्यप को पसंद आया और नारद मुनि से इस योद्धा के बारे में डिस्कस करने लगे, लेकिन इनकी बातचीत माता दिति ने सुन ली और दैत्य गुरु शुक्राचार्य के साथ मिलकर इस योद्धा को अपनी तरफ मिलाने की योजना पर काम करने लगे। इस बात से अनजान महर्षि कश्यप ने अपना यज्ञ स्टार्ट कर दिया और अपना संपूर्ण ज्ञान, अपनी संपूर्ण इच्छा शक्ति लगा दी। वो निर्माण कर रहे थे एक महाशक्ति का, एक ऐसी महाशक्ति जो 8 महाशक्तियों का संगम होगी। अंत में उन्होंने अपनी प्राण ऊर्जा का एक हिस्सा हवन अग्नि में अर्पित किया। अब महाशक्ति स्वरूप ले रही थी। 8 महाशक्तियों का ये अद्भुत संगम का आखिरी चरण शुरू हो चुका था। महर्षि कश्यप का पूरा ध्यान महाशक्ति पर था कि तभी अचानक से एक काफी खतरनाक राक्षस महर्षि की तरफ लपका। महर्षि के पूरे बदन में भय आ गया, रूह कांप गई और इस घबराहट, इस डर की एक बूंद भी हवन कुंड में जागरी। तभी योद्धा वहां आ गया और उस यक्ष राक्षस को खत्म कर दिया। योद्धा ने बताया कि नारद मुनि जी ने उसे इस यज्ञ के बारे में बताया था और इसकी रक्षा करने के लिए कहा था, लेकिन रास्ते में काफी सारे मायावी राक्षस ने योद्धा का रास्ता रोक लिया था, जिनको खत्म करने में योद्धा को थोड़ा वक्त लगा और वो पहले नहीं आ पाया। और तभी बाहर आता है वो महायोद्धा, एक ऐसी अद्भुत शक्ति जो किसी को भी हराने के लिए काफी थी। लेकिन योद्धा के हथियार को देखकर अष्टवीर घबराने लगा और हद तो तब हो गई जब अष्टवीर एक चूहे से डरकर योद्धा के पीछे छिप गया। अब महर्षि को असुरों का प्लान समझ में आने लगा था कि जब वो अपनी प्राण ऊर्जा डाल रहे थे उसी वक्त असुरों ने उन पर यक्ष राक्षस से अटैक करवाया था और महर्षि का वो भय यानी डर ही अष्टवीर का आधार बन गया। अब अष्टवीर के डर को नहीं बदला जा सकता था क्योंकि ये इसका आधार था और इसी वजह से अष्टवीर की सारी शक्तियां उसका साथ छोड़कर चली गई। इसके बाद अष्टवीर काफी शर्मिंदा हुआ और खुद को अकेला रहने के लिए कहने लगा। इसके बाद अष्टवीर एकांतवास में रहने की कोशिश करने लगा तो वहीं सब शक्तियां असुरों का साथ देने लगी थी, जिनकी वजह से असुरों में पहले से ज्यादा ताकत आ गई थी और वो देवों पर कहर ढा रहे थे। इस बीच अष्टवीर अपनी दुर्बलता को अपनी ताकत बनाने में लगा हुआ था। वो अपने भय से नहीं भाग सकता था और ना ही इसकी कोशिश वो कर रहा था, वो इस भय को ही अपनी ताकत बनाने में लगा हुआ था। एक बार फिर असुरों ने पृथ्वी पर इतना खतरनाक आक्रमण किया जिसकी वजह से देवराज इंद्र को अपनी पूरी सेना और योद्धा को भी पृथ्वी पर लाना पड़ा, लेकिन इसी बीच सब शक्ति निकल पड़ी स्वर्ग पर आक्रमण करने, जहां उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था, या फिर था तो सिर्फ एक डरपोक, एक भीरू, लेकिन ये भीरू इस बार सीधा खड़ा था। लेकिन बेचारा अपने डर से भाग भी तो नहीं सकता था, डर से ना सही लेकिन सब शक्तियों से तो भाग सकता था। अष्टवीर का पीछा करते करते सब शक्ति उस भीरू के जाल में जा फंसी। उसने इन्हें काफी खतरनाक तिलिस्मी नगरी में फंसा दिया था
वीरू ने अपने डर और दिमाग की बदौलत इन सभी सबशक्तियों की सारी शक्ति सोख ली थी, लेकिन वो वीरू था अकेला और उसके सामने थी सात महाशक्ति जो बिना शक्ति के भी उसका काम तमाम करने के लिए काफी थी। अष्टवीर उन सबके सामने था और वो कहता है कि संसार का सबसे बड़ा भय होता है विश्वासघात, अपने प्रियजनों द्वारा किया गया विश्वासघात। इधर पृथ्वी पर असुरों को देव और योद्धा ने हरा दिया था, लेकिन अब तक वो लोग सारा माजरा समझ चुके थे। महर्षि कश्यप ने अष्टवीर से कहा कि वो अपना तिलिस्म तोड़ दे, जिससे योद्धा और बाकी के देव सब शक्तियों को बंधक बना ले। लेकिन अष्टवीर जानता था कि वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। अष्टवीर के अलावा सब शक्तियों को कोई भी कंट्रोल या काबू नहीं कर सकता था। अष्टवीर ने अपना प्लान महर्षि कश्यप को बताया और उसने अपनी और सब शक्तियों की जीवन लीला समाप्त कर ली। एक भीरु जिसने आखिरकार अपने डर पर काबू पा ही लिया था, अष्टवीर अंत में बन ही गया। अष्टवीर ये देखकर सभी लोग दुखी हो रहे थे, यहाँ तक कि महर्षि कश्यप की आंखों में आंसू भी बह रहे थे। कि तभी देवों के देव महादेव पधारते हैं और बताते हैं कि सब शक्तियाँ उनके साथ अभिशप्त गण थे और अष्टवीर इनका नायक। अनाचार और उत्पात के कारण देवऋषि नारद ने इन्हें श्राप दिया था, जिसकी वजह से ये इस रूप में निकले थे। ये सुनकर महर्षि कश्यप काफी चौंक गए और तब महादेव ने वरदान दिया कि द्वापर युग में एक बार फिर अष्टवीर धरती पर आएगा और इस बार सब शक्तियां भी अष्टवीर के अधीन होंगी। तो ये थी स्वर्णायक सीरीज में दिखाई गई गोजो की ओरिजिन। अगर आपको इससे आगे की कहानी जाननी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक आप जानें कि राज कॉमिक यूनिवर्स में नागराज और तौसी में से कौन ज्यादा ताकतवर है, या एकांश और डॉक्टर ऑक्टोपस में कभी फाइट हुई तो कौन जीतेगा।